शीट में हो। शीट में अपने पास टू पार्ट सेकंड के 10 सवाल थे। ठीक टू पार्ट सेकंड में आ जाओ। पहले 1 to 5 की बात करते हैं। चलिए 1 to 5 में बताइए किसको क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। थ्री और फोर पे आते हैं। पहले वाला तो बाय पार्ट से हो जाएगा बेटा, सीधा सा है। पहले वाले में तो क्या पूछते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो तो 3 में अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है बेटा 0 to x मॉड ऑफ 2t-3 dt। तो इसमें तो आपको क्या करना है। अच्छा, और जो एक सवाल पूछा है वो सारा एफ एक्स के बारे में ही पूछा है ना। सवाल सारा किसके बारे में पूछा है आप ऑप्शन देखें एक बार, तो सारा का सारा सवाल कहीं ना कहीं एफ। देखो 3 और 4 जो दोनों सवाल है ना, दोनों सेम वेरिएंट के सवाल है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखो करना भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। ये दोनों सवाल साथ में इसीलिए पूछे गए हैं। एक मिनट को यार, थोड़ा सा मैं कैमरा भी साफ करूं। अब ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, अब ज्यादा साफ आ रही है। तो 0 to x 2t dt, तो दोनों में अंतर क्या है कि तीसरे सवाल में कहीं ना कहीं फंक्शन पूछा गया है और चौथे सवाल में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव पूछा गया है। ठीक है, जो दूसरे तीसरे सवाल में है वो ऑप्शन कहीं ना कहीं फंक्शन के बारे में जानकारी पूछे हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और जो चौथा सवाल है वो कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब हम इसमें एफ डैश एक्स कैसे निकाल सकते हैं। देखो हम दो केस की बात करेंगे। अगर तो एक्स 3/2 से छोटा है और अगर तो एक्स 3/2 से बड़ा है। अगर एक्स 3/2 से छोटा है तो ये जो एफ एक्स होगा आपका, अगर एक्स 3/2 से छोटा है तो ऑब्वियसली ये मोड कौन से साइन के साथ खुलेगा, माइनस। ये मोड कौन से साइन के साथ खुलेगा, माइनस। और अगर एक्स 3/2 से बड़ा है तो फिर मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 0 से 3/2 और 3/2 से एक्स। 0 से 3/2 में ये माइनस साइन के साथ खुलेगा और 3/2 से बड़े के लिए ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। ये दो पार्ट में जाएगा। दोनों जगह से आप फंक्शन निकाल लीजिए। जैसे यहाँ से आपका फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री, मतलब माइनस के टी स्क्वायर प्लस 3t 0 to x। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इसका तो कितना हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t 0 से 3/2 प्लस वही टी स्क्वायर माइनस 3t 3/2 से। तो अब आप चाहें तो ये आपका एफ एक्स, आप चाहें तो वापिस एफ एक्स को मर्ज करके भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स क्या हो जाएगा। अगर एक्स 3/2 से छोटा है तो यहाँ से आप वैल्यू लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। और अगर एक्स 3/2 से बड़ा है तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो लिख दी। अब आपका फंक्शन आ गया, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस कहाँ है, डिफरेंशिएबल कहाँ है, वो सब बातें आप इससे देख सकते हैं।
ठीक है। और अगर हम फोर्ट वाले की बात करेंगे तो फोर्ट वाले में क्या है कि आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए कि भाई एफ एक्स आपका कितना दे रखा है, एक्स से एक्स प्लस 5/3 मॉड साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ जो ऑप्शन है ना बेटा, वो सारे देखो डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशिएबिलिटी का इंटरवल, मैक्सिमा मिनिमा। तो आप सीधे सीधे एफ डैश एक्स निकाल लो, किससे, लेबनीज से। तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 5/3 माइनस मॉड साइन एक्स, ये आपके पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब आप जैसे पॉइंट भी निकाल सकते हो, जैसे एफ डैश एक्स को आप जीरो करोगे, तो अगर आप इसको जीरो करोगे तो जीरो करने से आपके पास क्या आ जाएगा, वही स्क्वायर करके सोल्व करोगे, स्क्वायर करके सोल्व करोगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएंगे, 5/3 और 5/6। अब आप देख लेंगे कि किस पे मैक्सिमा आएगा किस पे मिनिमा आएगा, तो फिर ये आपका सीधे सीधे मैक्सिमा मिनिमा का एक सवाल बन जाएगा, है ना, मैक्सिमा मिनिमा का एक सवाल बन जाएगा, है ना। तो अब आप बताओ और कोई डाउट हो चौथे सवाल में, फिर तीसरे में आप यहाँ से फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूअस डिफरेंशियल देख सकते हो, चौथे में क्रिटिकल पॉइंट आ ही गया, उससे पता लगा लो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। क्लियर है। चौथे का ए ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से आएगा, जब दो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गए 0 to π में, 0 to π में ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा, इंक्रीज करके डिक्रीज करके इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा ना, दो क्रिटिकल पॉइंट से जीरो आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा, नहीं होगा। इसका रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज तो मैंने कई बार आपको निकालना सिखा रखा है कि भाई आप बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की, और जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वहां पे वैल्यू निकाल लो, तीनों चारों में से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। अब आप कहाँ कहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार तो एक्स की जगह जीरो डाल दीजिए, एक बार एक्स की जगह पाई डाल दीजिए, और इस पॉइंट पे और वैल्यू निकालिए, बस। बाकी सारे नियम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बोलिए। फाइव तो अपना क्लास नोट का ही ना बेटा, अहमद दूर, फाइव तो क्लास नोट का है बेटा, अपने क्लास में प्रूव भी किया था, तो क्लास नोट का ही है। G2 0 प्रूव किया था, G4 0 है तो G2n 0 होगा, वही तो चीज। आप ए ऑप्शन पूछ रहे हो तो ए ऑप्शन तो क्लास में करा था अपन ने तो पूरा। चलिए 6 to 10 में बोलिए क्या पूछना है, 6 to 10 में। नाइन और टेन की बात करें अपन, ठीक है। तो जैसे ही आप एफ डैश एक्स निकालोगे बेटा जीरो आ जाएगा, एफ डैश एक्स जीरो आ जाएगा, इसका मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है। लेबनीज से जैसे ही एफ डैश एक्स निकालोगे सिक्स में, वो जीरो आ रहा है बेटा, और जीरो आ रहा है इसका मतलब एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है। एफ जीरो निकाल लो, एफ जीरो से जीरो आ जाएगा, पता लग जाएगा कि फंक्शन जीरो है, एफ एक्स बराबर जीरो फंक्शन है। चलो 9 और 10 की मैं बात करता हूँ, 9 और 10 को फंक्शन, दोनों बहुत सीधे से सवाल है, बस थोड़े से वैसे पूछे गए। 9 को आप समझे, अपने को मैंने आपको सिखाया था कि एन टेंस टू इनफाइनाइट पे, अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट है तो आप चाहे 0 से n-1 लिखें, या फिर आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट से 1 से n लिखें, एक ही बात है। यस सोनो बोला था नहीं बोला था कि अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो आपके लिए दोनों चीजें सेम है, हम जानते भी हैं क्योंकि इनफाइनाइट पे एकदम कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनफाइनाइट पे तो दोनों चीजें सेम है। तो n टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर मैं बात करूंगा एन टेंस टू इनफाइनाइट के लिए, तो मेरे पास टी एन और एस एन दोनों सेम होंगे, है ना, और ये दोनों सेम होंगे और इसकी वैल्यू 5/4 आ जाएगी, आप निकाल के देख सकते हो, है ना।
लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट की बात करें, एसएन की बात करें, तो ये एक ही चीज होगी और ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन किसी से भी निकाल लो आप, एक इंटीग्रेशन बनेगा कौन सा, डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, और इसकी वैल्यू शायद वैल्यू कितनी आ जाती है 5/4, ये वो बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ये बात तो क्लियर है सबको, एक बार इस पर यस में बोले भाई, इनफाइनाइट पे दोनों चीजें सेम है, आप कुछ भी निकालो दोनों से एक ही आंसर आने वाला है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तब तो फर्क पड़ेगा यार, क्योंकि फाइनाइट टर्म से तो रेक्टेंगल का एरिया मैंने कहा था ना, वो एक एरिया इफेक्ट करेगा ही करेगा, वो जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो इफेक्ट करेगा, फिर तो इंटीग्रेशन की लिमिट कम ज्यादा आएगी। या तो नो, वो ग्रीन वाला पोर्शन कब खत्म होता है, जब एन टेंस टू इनफाइनाइट होता है, अगर एन इनफाइनाइट नहीं है तो ग्रीन पोर्शन खत्म होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया और एज सम अलग अलग होगा। अब आपको देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप T1 निकाल लीजिए बेटा, आप T1 निकाल के देखिए, T1 क्या आ रहा है, T1 क्या हो जाएगा आपका, समेशन R बराबर 1 से 1, n की जगह 1 डाल दिया आपने, तो 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस 2R1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये T1 हो गया। और सिंप्लीफाई करें, अब इसको R की जगह 1 से 1 का मतलब R की जगह 1 डालना है, 2 है, 2n2। अब आर की जगह भी वन डाल दो तो 1 माइनस 2 प्लस 2, तो ये 1 हो जाएगा। और एस 1 की अगर आप बात करोगे तो समेशन आर बराबर 0 to 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R² - 2R+2 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू आप 0 डाल दो बेटा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप अगर फाइनाइट के लिए बात करोगे, फाइनाइट के लिए बात करोगे तो Tn Sn से बड़ा होगा, Tn Sn से बड़ा होगा। अब अच्छा, इसमें कहानी क्या होगी, इसकी कहानी ये होगी कि जैसे जो T1 आ रहा है, आप पाई बाय 4 जानते हो, 3.14/4 होगा है ना, तो 3.14/4 है तो 0.7576 के आसपास होगा, समझ रहे हो, 0.7576 के आसपास होगा। जैसे ये T1 कितना आ रहा है 1 और ये कितना आ रहा है 1/2, तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये जो Tn है ये धीरे 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 कम होगा, और कम होते होते इनफाइनाइट पे जाएगा तो 3/4 पे पहुंच जाएगा, और ये जो Sn है ये हाफ है, ये धीरे 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 बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसलिए इनफाइनाइट पे तो दोनों 3/4 हो जाएंगे, लेकिन फाइनाइट वैल्यू के लिए Tn बड़ा होगा और Sn छोटा होगा, यस और नो बोलने इस बात के। सवाल वही है जो अपन ने पढ़ा था, बट उसने क्या थोड़ा सा उसको समझने की दृष्टि से अलग कर दिया। तो एक्चुअली क्या है, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन एक कम होते होते 3/4 पे बढ़ेगा, एक बढ़ते बढ़ते 3/4 पे पहुंचेगा, ये चीज है। हाँ ना, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये वही सवाल है जो अपन ने क्लास में भी किया था, इस तरह का सेम सवाल है ना, जो क्वेश्चन नंबर, हाँ ये IIT में आया हुआ सवाल है, IIT वाले ने पूछा हुआ है भाई। क्या होता है कि IIT वाला जो पूछता है ना, तो वो क्या है कि थोड़ा वो भी पूछता है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 तो अपन ने किया था, ये उसी टाइप का सवाल है, लिमिट 10 टेंस टू इनफाइनाइट है। ये ऊपर जो लिखा है इसको अपन 1/2 की 1/n की पावर के लिख देंगे, और 2/n की पावर के लिख देंगे, n की पावर के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, जैसे मैंने पहले भी करा है एक सवाल में, है ना, तो ये एन की पावर के ऊपर निकल जाएगा बेटा, है ना। अब वही नीचे वाली टर्म को एडजस्ट करूंगा, अपने क्लास में जैसे सवाल किया, तो नीचे देखो एक तो बन रहा है आपका एन एन प्लस वन, 2n+1/6, और एक आपका क्या बन रहा है बेटा एन क्यूब, तो एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। और अच्छे से समझे इसको, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट। अब देखिए ऊपर वाले की कहानी तो आप जानते हैं, आर इक्वल्स टू 1 से एन, ये आर बाय एन की पावर के बन जाएगा, एन की पावर के बन जाएगा। यहां समझे आप, यहाँ 1, 2, 3 और 4, एन की पावर 7 बाहर आएगा। अब एन की पावर 7 आएगा तो ये 1+1/n, ये 2+1/n, 6 तो आपने बाहर लेना ही है ना, इसमें से भी एन स्क्वायर हो जाएगा, 4 भी आप बाहर ले लीजिए बेटा, तो ये 1+1/n का स्क्वायर बन जाएगा। अब एन टेंस टू इनफाइनाइट पे ये सारा तो आपका 1 हो गया, ये सारा तो आपका 1 हो गया, अब ये सारा 1 हो गया तो ये 12 भी बाहर ले लीजिए, 2 से कैंसिल होके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, समेशन r बराबर 1 to n, r बाय n की पावर k अपॉन n की पावर 7 आ गया।
अब आप सीधा सा इसको समझें, बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा सवाल है। अगर के सिक्स हुआ, समझिए, अगर के क्या हुआ, सिक्स, अगर के सिक्स हुआ तो उस केस में ये 1/n बचेगा और ये एक्स की पावर के बन जाएगा 0 to 1, यस और नो, है ना। तो अगर ये एन के सिक्स हुआ तो ये 1/n बनेगा। तो अगर आप सिक्स के लिए बात करेंगे, के बराबर सिक्स के लिए, तो के बराबर सिक्स के लिए तो ये आपका 0 to 1 एक्स की पावर के डीएक्स बन जाएगा, क्योंकि ये 1/n बचेगा, ये एक्स की पावर के हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, तो आगे है ही सी, तो ये 12 k+1 हो जाएगा। और के बराबर सिक्स पे इसकी वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, के बराबर सिक्स पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। और अगर के सिक्स से छोटा हुआ बेटा, तो ऑब्वियसली नीचे एन और बचेगा, और नीचे एन बचेगा तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कहां पे चला जाएगा, 0 से। अगर 6 से छोटा हुआ तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इसको 0 पे ले जाएगा, यस और नो बोले एक बार। तो अगर 6 हुआ तब तो ये इंटीग्रेट होकर वैल्यू दे देगा 12/7, नहीं हुआ तो नीचे एन बचेगा ही बचेगा, वो एन इसको कहां पे ले जाएगा, 0 पे ले जाएगा। बस ये सवाल, तो दोनों सिंपल सवाल थे अपन ने करे, इस तरह का सवाल भी किया अपन ने, वहां पे भी अपन ने याद हो तो एन के टर्म को एडजस्ट किया था अपन ने, उसी से मिलते जुलते। अब इसके बाद क्लास नोट्स निकाल ली, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, तो कहाँ तक अपन पहुंच गए थे, एरिया अंडर द कर्व अपन पढ़ रहे थे और उसके सवाल हम कर रहे थे, है ना। अब मैं आपको पहले वो बोर्ड वाला सवाल समझा देता हूँ, है ना। तो सवाल लिखिए, जो भी क्वेश्चन है और लिख लीजिए, ओनली फॉर बोर्ड, ये हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर बोर्ड पर्टिकुलर। वो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे पहले, मैं वो करवा देता हूँ। अब देखिए, मैं दो सवाल लिखता हूँ, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया बाउंडेड बाय फाइंड एरिया बाउंडेड बाय ट्राइंगल हूज वर्टेक्सेस आर 1,0, A 1,0, B 2,2 एंड C 3,1, हूज वर्टेक्सेस आर 1,0, 2,2 और 3,1। और एक और सवाल लिखी, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्राइंगल ट्राइंगल तक लिख लो ऐसे कैसे ही, हूज बाकी पैसे कैसे लो, ट्राइंगल हूज साइड आर टू साइड आर x plus y equals to 4, x minus 2y minus 1 equals to 0, and 2x minus y minus 2 equals to 0. x plus y equals to 4, x minus 2y minus 1 equals to 0, and 2x minus y minus 2 equals to 0। सवाल को पूछने के उसके पास दो तरीके होते हैं बेटा, है। सवाल को पूछने के उसके पास दो तरीके हो सकते हैं, वो वर्टेक्स भी दे सकता है और साइड भी दे सकता है। अब वो चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, हमें काम एक ही करना होगा। मैंने एक ही सवाल को तो दो तरीके से लिखा है, तो ये सवाल मैं कराऊंगा तो आपके वो एनसीईआरटी वाले चारों सवाल हो जाएंगे, 2, 9.8.2 वाले और 2 मिसलेनियस। अब आपको क्या करना है कि इसको प्लॉट करना है, आपको क्या करना है इसको प्लॉट करना है। तो क्या आपको ये एक्स एक्सिस पे बनाना आता है ट्राइंगल,
चाहे आप लाइन से बनाएं चाहे आप वर्टेक्स, दोनों बताइए। आप लाइन से बनाएंगे तो भी आपको वर्टेक्स निकाल दिखाने पड़ेंगे, वर्टेक्स से बनाएंगे तो लाइन निकालनी पड़ेगी। इन तीन वर्टेक्स से ये लाइनें बनेगी, इन लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वर्टेक्स बनेंगे। तो सबसे पहले आप इसको प्लॉट कर लीजिए, बनाइए डायग्राम, बनाइए लाइन प्लॉट करके डायग्राम बनाइए, चाहे तो वर्टेक्स प्लॉट करके डायग्राम बनाइए, बनाइए डायग्राम को बना के कंप्लीट कीजिए, फिर अपन आगे करेंगे। बनाइए अपनी कॉपी में डायग्राम बनाइए इसका। बनाया देखिए। अब आप लाइन बनाएं चाहे कैसे भी बनाएं, जैसे आपको एक पॉइंट चाहिए कितना बेटा 1,0, तो समझिए 1,0 हो गया है। फिर आपको एक पॉइंट चाहिए 2,2 और 3,1, तो 2,2 तो ये 1 और ये 2, ये पॉइंट समझिए आपका 2,2, और एक पॉइंट चाहिए 3,1 तो ये समझिए 3,1, तो ट्राइंगल बन रहा है आपका ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। आप लाइनों से बनाएंगे तो भी यही लाइन बनेगी, ये लाइन हो जाएगी आपकी कौन सी 2x - y - 2 = 0, 2x - y - 2 = 0, ये हो जाएगी x + y = 4, और ये हो जाएगी x - 2y - 1 = 0, ये अक्सर नो बोले एक बार भाई, ये सब तो प्लॉट हो जाएगा आपसे। ठीक है, ऐसे भी करो, लाइनों से करोगे तो भी आपको पॉइंट भी निकालने हैं, लाइनें भी निकालनी है, और पॉइंट देगा तो लाइन ही निकालनी है, लाइन देगा तो पॉइंट निकालनी है, क्योंकि अपने को सबकी जरूरत पड़ेगी, लाइन की जरूरत पड़ेगी और पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको करेंगे कैसे वो समझो, हम यहाँ पे इसको ट्रिपेजियम में ब्रेक करेंगे। जैसे एक ट्रिपेजियम तो मैंने ये बना, ट्राइंगल तो ये बना दिया, एक ये ब्लू वाला है ना, और एक ट्राइंगल में ये ब्लू वाला बनाऊंगा, और इन दोनों ब्लू वाले ट्राइंगल में से मैं कौन सा वाला एरिया हटाने वाला हूँ, ये रेड वाला, मैं कौन सा एरिया हटाने वाला हूँ, ये रेड वाला, ये मैं काम करने वाला हूँ। तो मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, इसको मैं बी ले लू, इसको मैं सी ले लू, इसको मैं डी ले लू, और क्या ले लू, बस इसको मैं ई ले लू, है ना, दिस इज 2,0, दिस इज 3,0, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैं किसके बराबर लिखूंगा, कौन से ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा, ट्राइंगल एडीई प्लस ट्राइंगल, ट्राइंगल तो नहीं है ये, इसके बाद ट्रिपेजियम है ये तो ट्राइंगल हो गया, इसके बाद ये ट्रिपेजियम हो जाएगा कौन सा, डी सी डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल,
ए बी सी। देखें तो एक बार मैंने सही लिखा क्या, ये दो ट्राइंगल का एरिया ट्रेपेजियम, हाँ दो पैरेलल साइड से ठीक है, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम लिख दीजिए, क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ठीक है, ये समझ में आया। इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया, उसमें से नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, यस और नो बोले एक बार। ये दोनों तो ऐड करे अपन ने, और इसमें से नीचे वाले ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा ये भी एबीसी दिख रहा है क्या? रुको रुको, मैं निकाल कौन सा, मैंने गलत लिख दिया, मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, अच्छा वो एबीसी, रुको मैंने पॉइंट गलत डाल दिया ना, सवाल में एबीसी दे रखा था अपने को, हाँ हाँ रुको मैं पॉइंट दोबारा डालूंगा, सवाल में हमें एबीसी दे रखा है, ओके मैंने वो पॉइंट गलत डाल दी, ए अपने को ये दे रखा है, बी कौन सा दे रखा है 2.2, और सी दे रखा है ये, है ना, यही दे रखा है ना, बी कौन सा दे रखा है अपने को 2.2, और सी दे रखा है 3.1, है ना। तो आप ये एबीसी दे रखे हैं, तो आप इनको दूसरा ले लो, डी और ई ले लो इसको, है ना, डी और ई इसको ले लो, 2.0 को डी ले लो, इसको 3.0 को ई ले लो, इसको डी और ई ले लो, है ना, आप तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एबीसी हमें वो दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो मैं निकालूंगा, पहला ट्राइंगल हो जाएगा एबीडी, दूसरा ट्राइंगल ट्रिपेजियम हो जाएगा कौन सा, डी बी सी ई, और इसमें से ट्राइंगल कम हो जाएगा कौन सा, ए सी ई। अब करेक्ट है, पहले मैंने पॉइंट उल्टे सीधे लिख दिए थे, अब ठीक है, यस और नो बोले इसके लिए। अब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया देखो, इसको हम समझें, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है 0 से 1, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है 1 से 2, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है 1 से 2, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है ये, और नीचे वाला क्या है वाई बराबर 0, तो ऊपर वाला ये हो गया तुम्हारा कौन सा, वाई की वैल्यू रखूंगा बेटा मैं तो 2x-2 -0 × dx, ये समझ में आया इस एरिया को मैंने लिखा, जो ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। जब मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया लिखूंगा तो इसमें एक्स जा रहा है 2 से 3, इसमें भी ऊपर वाला फंक्शन तो कौन सा है ये वाला, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 - x, नीचे वाला फंक्शन अभी भी क्या है 0 × dx प्लस, फिर मैं इसमें से हटाने वाला हूं बेटा 1 से 3, और 1 से 3 में ऊपर कौन सा फंक्शन है ये वाला फंक्शन है मतलब x-1/2 -0 × dx, ये मेरा बनने वाला। ये माइनस है तो माइनस कर दिया, हाँ करेक्ट है, बस अब आप इसको इंटीग्रेट करें, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो ये पर्टी, हालांकि अब देखो एनसीईआरटी का सवाल, इसलिए आपको ऐसे ही निकालना है ना, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का यूज करना है, अदरवाइज तो तीनों वर्टेक्स पता है, तो अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी है, ½ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, लेकिन अब ये एनसीईआरटी का ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बस वो इंटीग्रेट तो कर लोगे तुम, तो ये 3/2 इसका फाइनल आंसर आता है, चेक कर लो चाहो तो करके, 3/2 इसका फाइनल आंसर आता है। थ्री बाई टू आ रहा है, 7/2 आ रहा है, कैलकुलेशन आप चेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ने एक ने 3/2 कहा, मैंने 3/2 लिख दिया, चेक करो बेटा 3/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एच आर एस 7/2 क्यों बता रहा है भाई, यशवंत कह रहा है 3/2, एच आर एस कह रहा है 7/2, एक बार चेक कर लें बेटा 3/2 है या 7/2 है, कुछ और लोग इंटीग्रेट करके वैल्यू बताएं जल्दी से इसकी, 3/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है, अखिलेश ने 3/2, देवेश ने 3/2, सेना इसका मतलब 3/2 ही आ रहा है। चलिए फिर, काफी सारे लोगों ने 3/2 बता दिया, इसका मतलब फाइनल आंसर इसका 3/2 है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के साथ आप ऊपर जरूर लिख दें ओनली फॉर बोर्ड, है ना,
इस तरीके से हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर सवाल किसमें पूछा जाता है, बोर्ड में ही पूछा जाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो अब और आगे बढ़ जाते हैं वापस। अब अपने सवालों पे आते हैं, है ना। चलो तो क्वेश्चन लिखो फिर अपना। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स एंड एक्स वाई एक्स एंड वाई एक्स। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स एंड वाई एक्स। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स एंड वाई एक्स। इन तीनों से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। सबसे पहले तो इसका प्लॉट करें, चलिए जल्दी से प्लॉट करें। अगर आपको टेन इनवर्स कॉट इनवर्स के ग्राफ याद हैं, और अगर आप भूल गए हैं तो फिर बात अलग है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हो गया बेटा। अब अगर आप टेन इनवर्स कॉट इनवर्स के ग्राफ आपको पता है और टेन इनवर्स कॉट इनवर्स के ग्राफ में बनाऊं, तो एक तो बेटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बनेगा और एक जीरो टू पाई बनेगा। माइनस पाई बाई टू, जीरो पाई बाई टू एंड पाई। अगर मैं टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करूं तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बनता है कुछ ऐसा। ये टेन इनवर्स एक्स। दूसरा मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं कॉट इनवर्स एक्स का, दूसरा मैं ग्राफ किसका बनाने जा रहा हूं कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो जिस एरिया को निकालने की बात हो रही है वो एरिया हो जाएगा बेटा मेरा ये वाला, वाई एक्सिस ये है, तो आई थिंक ये बाउंडेड एरिया मुझे निकालना है। तो अगर मैं इस बाउंडेड एरिया को निकालना चाहता हूं तो वैसे तो ठीक ठाक दिख रहा है ये, मुझे देखना है कि दोनों बराबर कब हो रहे हैं। तो आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ एक्स इक्वल टू वन पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं कर देता हूँ क्योंकि जीरो टू वन में ऊपर हमेशा एक ही फंक्शन है और नीचे हमेशा एक ही फंक्शन है। तो अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो जीरो टू वन हो जाएगा बेटा। ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है कॉट इनवर्स एक्स, नीचे वाला फंक्शन कौन सा है टेन इनवर्स है। अब मैं अपनी थोड़ी मेहनत यहाँ पर कैसे बचा सकता हूँ, थोड़ी मेहनत में अपनी कैसे बचा सकता हूँ कि दोनों को इंटीग्रेट करने की जगह मैं कॉट इनवर्स को पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो ये ए हो जाएगा बेटा, एक तो पाई बाई टू हो जाएगा जीरो टू वन डी एक्स हो जाएगा, एक टू हो जाएगा जीरो टू वन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट हो ही जाएगा, इसमें आपको बायपार्ट्स लगाना पड़ेगा, सेकेंड फंक्शन वन लेना पड़ेगा, या फिर एक मैंने सब्स्टिट्यूशन भी आपको सिखा रखा है टेन इनवर्स एक्स को कितना ले लेंगे। ठीक है चलिए इससे फाइनल आंसर मुझे निकाल के बताइए आप क्या लाएंगे, फाइनल आंसर निकाल के बताइए इससे क्या लाने वाले हैं। यशवंत की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है क्या सर, सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड मेरे पास हमेशा रहता है बेटा, आप पूछा करो बस, आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। बहरहाल पहले आप इससे सोल्व करके आंसर निकालिए फिर अपन सेकेंड पे भी आते हैं।
इंटीग्रेट करना है और आपको सिंप्लीफाई करके मुझे फाइनल वैल्यू बतानी कितनी आ रही है। अर्चित गलत है बेटा आंसर। इसका फाइनल आंसर आ रहा है LN2। कंप्लीट सिंप्लीफाई होके इस सवाल का आंसर है LN2। LN2 और मेरे ख्याल से टेन इनवर्स एक्स का तो इंटीग्रेशन करना चाहिए, अपन करा चुके हैं कई बार। है ना, तो LN2 इसका आंसर आ रहा है ना। चलो अब ध्यान दो मेरी बात पे, मैं एक और तरीका तुम्हें इसके लिए सिखाने जा रहा हूँ, है ना, एक और तरीका सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ये लिख लेना बेटा कि नॉट फॉर बोर्ड, है ना, इसको बोर्ड में ना इस्तेमाल करें, ओनली जेई जेई में आप इसको यूज कर सकते हैं, बोर्ड में इसको इस्तेमाल ना करें। बोर्ड में तो यही एक तरीका है, आपने NCERT करी, आपने देखा ही है। हाँ, इसको करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको समझा सकता हूँ। जब इस तरह का सवाल अगर कॉम्प्लिकेटेड पड़े हैं तो आप एक टेक्निक काम में ले सकते हैं जिससे आपका सवाल आसान हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। सवाल क्या है आपके पास, ये रफ कर दूं मैं, ये आप सबने लिख लिया, ये रफ कर दूं। आप कॉन्सेप्ट ये समझे कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है और ये क्या था, वाई एक्सिस था ना, वाई एक्सिस था, तो आप इस पूरे सवाल में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे, आप इस पूरे सवाल में एक्स और वाई को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप इस पूरे सवाल में एक्स और वाई को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। तो अगर आपको ये सवाल करना है तो आप इसकी जगह क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू टेन इनवर्स y, x इक्वल टू कॉट इनवर्स y एंड x एक्सिस, इंटरचेंज x और y, x और y को इंटरचेंज कर दीजिए आप। जहां जहां x दे रखा है वहां वहां सब जगह y लिख दीजिए। यस और नो बोले एक बार, x की जगह y, y की जगह x लिख दीजिए। तो आप इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, सेम आने वाला है। आप इसका एरिया निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें, सेम आने वाला है। तो इंटरचेंज और एक्स और वाई को क्या, तो ये हो गया आपके पास। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये आई थिंक आपका वाई बराबर टेन एक्स, वाई बराबर कॉट एक्स और एक्स एक्सिस हो गया। आप देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, टेन एक्स का ग्राफ ये, कॉट एक्स का ग्राफ, कॉटेक्स का ग्राफ ऐसा, जीरो टू फाइव बाई टू, क्योंकि दोनों के डिफाइन होने की कॉमन रेंज की बात करेंगे तो जीरो से फाइव बाई टू में ही वर्कआउट करना पड़ेगा अपने को, और उससे इधर उधर तो नहीं जा सकते। और ये अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करने वाला है बेटा, फाइव बाई फोर पे। ये आपका टेन एक्स हो गया, ये आपका कॉटेक्स हो गया,
जीरो टू पाई बाई फोर, ये वाई बराबर जीरो हो गया, तो ऊपर कौन सा फंक्शन है, टेन एक्स, और पाई बाय फोर से पाई बाई टू ऊपर क्या है, कॉट एक्स इंटू डी एक्स। टेन कॉट दोनों आप जानते हैं स्टैंडर्ड है, टेन कॉट दोनों आप जानते हैं स्टैंडर्ड है, फॉर्मूले टेन एक्स के इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड है, इसके इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड है। सिंप्लीफाई करके आंसर बता दीजिए मुझे क्या आ रहा है। हो गया बेटा, हो गया हो तो डन बोले। अब तो डन बोले बेटा जल्दी से, इनके दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद हैं, और नहीं याद है तो गलती है बेटा, आपको याद रखने चाहिए थे क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, और आसान फॉर्मूले तो हमें याद रखने हैं, है ना, वो नहीं याद रख रहे हैं तो हमारी गलती है। आप देखिए एक माया मान्य सिंह है, अरे मान्या सिंह बेटा आंसर तो वन ही आएगा, एल एन टू कैसे आ जाएगा, अपन ने मेथड चेंज किया है, आंसर तो सेम आएगा भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आंसर कैसे अलग ला दिया भाई। चलिए हो गया हो तो डन बोलिए बेटा, मैं एक और कॉन्सेप्ट का एक और सवाल करा देता हूँ आपको, हो गया हो तो डन बोलिए भाई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लिखिए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस वाई क्यूब एंड वाई एक्स, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस वाई क्यूब एंड वाई एक्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां समझिए बात को, यहां उसने क्या रेप्रेजेंट कर दी, एक्स को किसके टर्म्स में लिख दिया, वाई, एक्स को किसके टर्म्स में लिख दिया, वाई। अब ये थोड़ा सा टफ सवाल मैंने बना दिया, एक्स को किसके टर्म्स में लिख दिया, वाई। अब आप समझिए कि एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दिया, तो अगर आप यहां से वाई से एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई आप इसका ग्राफ को या करो तो तब बना पाएंगे जब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रिक है तो आप इसकी जगह ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कौन सा, वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब एंड एक्स एक्सेस, यस और नो बोलने बेटा, ये ग्राफ तो आप बना लेंगे आसानी से, ये तो क्यूबिक फंक्शन है, इसका ग्राफ तो हम आसानी से बना सकते हैं। यहां थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन यहाँ आसान हो गया, तो ये इस रिजल्ट का फायदा है कि अगर आप ये टेक्निक दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक टिपिकल सवाल को क्या कर देगा, आसान कर देगा। आप इसका ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए मेरे ख्याल से, बना लोगे, डीवाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, उसी से बनाएंगे, थ्री वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स, क्रिटिकल पॉइंट बेटा माइनस वन वन, माइनस प्लस माइनस,
पहले डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, ऐसे बनाते ना कर्व। याद है कुछ कि भूल गए सब? तीन रूट आ जाएंगे इसके, एक तो 0 रूट आ रहा है और एक कितना जाएगा -√3, एक कितना जाएगा +√3। तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब आपको दो पोर्शन भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सिमेट्रिक होंगे, तो एरिया बस आप उसी से निकाल दीजिए बेटा, 2√3, 2√3। कर्व तो आपका हमेशा कौन सा रहने वाला है, 3x − x³ − 0 × dx। बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा भाई। ये कितना हो गया, 3x² / 2 − x² / 4 √3 ये आंसर। तो आपने बहुत, और अगर वैसे जाते ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, वैसे जाते तो ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। तो यहां ये टेक्निक अपने को फायदा देगी, लिखें इसको और यस और नो बोलें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखें इसको फिर यस और नो बोलें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रोहन बेटा आप ज्यादा समझदार हो गए क्या? रोहन ज्यादा समझदार हो गए क्या? फाइनल आंसर 9/2 आ रहा है इसका, इसका फाइनल आंसर आ रहा है 9/2। नहीं, मैं समझ रहा हूँ रोहन कि तुमने, नहीं, सॉरी मत लिखो बेटा रोहन, सॉरी मत लिखो। मैंने तो, मैं इसे बोला तुमने मेरे, मैंने यस और नो बोला इसका मजा लेने के लिए लिखा हाँ तुमने मजाक में लिखा है मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, तो मैं भी मजाक में पूछ रहा हूँ बेटा, ज्यादा समझदार हो गए क्या? मैं पकड़ लिया कि तुमने किस उद्देश्य से लिखा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? तो आपके दिमाग में दो चीजें रखनी है। देखिए अब एरिया अंडर द कर्व मैंने आपको लगभग चीज समझा दी, मेन काम क्या है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, दो बातें दिमाग में रख लेना, बस काम खत्म। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ये अपन को मेन करना है। कभी आपको दिखे कि ऊपर वाला और नीचे वाला से जो बाउंडेड एरिया है वो दो से एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेक करना पड़ रहा है, कि ऊपर और नीचे वाला फंक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो फिर हम किस पे चले जाएं, एक्स की जगह राइट माइनस लेफ्ट पे चले जाएं, डीएक्स की जगह डीवाई पे चले जाएं। एक तो बात ये ध्यान रखें, और एक जो अभी मैंने सिखाई कि अगर आपको लग रहा है कि सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप देख सकते हैं, है ना? तो आप देख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो फिर आप देख लीजिए, है ना? तो फिर आप इस तरह की भी कोई टेक्निक काम में ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, चलिए अब थोड़े और सवाल करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y = 2 − x, mod 2 − x एंड y = 2 − mod 2 − x एंड y = 3 upon mod x। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y = 2 − mod 2 − x एंड y = 3 upon mod x y = 3 upon mod x।
तो अब हालांकि ये तो मोड है, लेकिन अब ये वैसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो ग्राफ तो बना सकता हूँ, मुझे पता है कि ये होगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे शिफ्टेड होगा, तो चाहे तो आप शिफ्टेड से बनाएं, और अगर आप शिफ्टेड से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डिफाइन करके भी बना सकते हैं कि भाई अगर आप इसको समझें तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक्स 2 से छोटा है, अगर एक्स 2 से छोटा है तो ये क्या बनने वाला है, आप ऑब्जर्व करें एक्स 2 से छोटा है इसको डिफाइन करें, और अगर हम देखें तो एक्स अगर 2 से छोटा है तो ये मोड माइनस साइन के साथ, 2 से छोटा है तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा तो ये एक्स आ जाएगा, और अगर एक्स 2 या 2 से बड़ा है तो उस केस में फिर ये ऐसे कैसे ही खुलेगा तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आप चाहें तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये मान लीजिए मेरे पास 2 है तो 2 पे वैल्यू भी 2 आएगी, 2 पे वैल्यू भी 2 आएगी, 0 पे ये वाई बराबर एक्स वाली लाइन बना लेता हूं मैं, ये वाई बराबर एक्स वाली लाइन बना लेता हूँ, और ये 4 माइनस एक्स y प्लस 2 4 माइनस, ये y प्लस 2 x। अच्छा ये मैं जानता हूं ये y प्लस 2 3/x है ना, तो y प्लस 2 3/x का ग्राफ मैं बना सकता हूँ और x पर मोड लगने का रूल मैं सिखा सकता हूँ, वही तो चीज होगी ये। हाँ हाइपरबोला है लेकिन x पे मोड लगा हुआ है, तो x पे मोड लगा हुआ है तो मैं ऐसा करूंगा कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनाऊंगा y प्लस 2 3/x, और नेगेटिव के लिए उसकी मिरर इमेज ले लूंगा, नीचे नहीं बनेगा इधर क्योंकि y इक्वल टू 3/mod x से, तो y इक्वल टू 3/x पॉजिटिव के लिए बनाया, नेगेटिव के लिए उसकी मिरर इमेज। अब मुझे बाउंडेड एरिया तो नजर आ रहा है कि जो मेरा बाउंडेड एरिया है वो कौन सा है, ये वाला है, बाउंडेड एरिया तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला है। लेकिन अब आप समझें कि इसमें मुझे क्या है, ये 2 पे ब्रेक होगा है ना, क्योंकि 0 से 2 तक ऊपर वाला फंक्शन अलग है और बाद में ऊपर नीचे वाला फंक्शन ये अलग है, 2 पे तो ये स्थिति है ना, तो मुझे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में जाऊं तो भी देखो फायदा नहीं होने वाला है, क्यों देखो राइट और लेफ्ट में यहाँ अलग है, राइट और लेफ्ट में यहाँ अलग है, तो वाई में भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, है ना, तो वाई में भी मुझे कोई बहुत ज्यादा फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ के बाद राइट और लेफ्ट अलग अलग हो रहा है, यहाँ अलग अलग पोजिशन है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि सीधे सीधे एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर लेता हूँ, ये पॉइंट मुझे निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट मुझे निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालूं, एक बार तो y बराबर x और ये एक तरह से पॉजिटिव के लिए 3/x से बेटा, तो देखो एक बार तो मैं 3/x को किसके बराबर कर दूं, x, तो x बराबर प्लस माइनस √3, तो ये प्लस वाला ले लिया मैंने √3। एक बार मैं 4 माइनस एक्स को 3/x को किसके बराबर कर दूं, 4 माइनस एक्स, तो अगर इसके बराबर करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 और 3 आएगी, मुझे 2 से बड़ी चाहिए तो 3 लूंगा बेटा मैं, ये बात समझ में आई, मैंने दोनों पॉइंट √3 और 3 लगाए, इससे यस और नो बोलो। क्लियर है ये बात, तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया वो समझें, आपका इंटीग्रेशन हो गया बेटा √3 से 2, ऊपर वाला फंक्शन एक्स नीचे वाला 3/x, प्लस 2 से 3 ऊपर वाला फंक्शन 4 माइनस एक्स नीचे वाला 3/x और dx, बस इंटीग्रेट करिए बेटा आंसर आ जाएगा। अब आप लिख ले हो गया हो तो डन बोल देना, ठीक है, √3 कैसे आया, एक्स स्क्वायर बराबर 3 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस √3 हो गया,
अब ये पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं ना अपन, नेगेटिव थोड़ी ना है जो -√3 लेंगे, तो √3 भाई ये एक्स और ये 3/x, इसी का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एक्स और 3/x का, तो एक्स बराबर 3/x करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे आई थिंक, और तो कैसे निकालेंगे। अब आप ये लिख के थोड़ा सा डन बोले, एक आध दो थोड़े और टिपिकल ग्राफ अपन बना लेंगे। एरिया अंडर द कर्व अपना खत्म हो गया है ना, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने थे आपको सिखा दिए हैं। अब आप इसको लिख के डन करें तो मैं दो चार टिपिकल ग्राफ आपको और बना दूं, है ना। सोल आप वाले चाहें तो बाद में कर लें, अपन दो चार थोड़े से टफ ग्राफ भी बना लें। वन रिजेक्ट इसलिए हुआ ना बेटा, आप टू से बड़ी वैल्यू चाह रहे हैं तो वन थोड़ी ना लेंगे, टू से बड़ी वैल्यू चाह रहे हैं तो आपको 3 लेनी पड़ेगी, है ना। सोल आप बाद में कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको दो चार टफ ग्राफ बनवा दूं, जो अभी तक तो हम नोन पढ़ रहे थे ना, आप थोड़ा सा अननोन पे हम आ जाते हैं। चलिए, जैसे कि आप फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, अब अगला सवाल ले लेता हूँ, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 4 − x² / 4 + x² एंड y इक्वल्स टू 5 = 2 3 mod x − 6। मान लीजिए इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया मुझे चाहिए। अब इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया मुझे चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब चलो ये जो मॉड वाला है ना, वो तो मैं कैसे भी बना लूंगा, ये मॉड वाला तो मैं शिफ्टेड से भी बना लूंगा, ये मॉड वाला तो मैं डिफाइन करके भी बना लूंगा, इसका तो है मेरे पास, लेकिन ये जो ग्राफ है ये अब मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, अगर अपन ग्राफ नहीं जानते तो जैसा अपन ने शुरू में फंक्शन में पढ़ा, हमारे पास एक ही काम है कि हम 3 स्टेप करें। कौन कौन सी 3 स्टेप करें बेटा? dy/dx, डबल डेरिवेटिव और कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू। डबल डेरिवेटिव के बारे में भी मैंने आपको बताया कि डबल डेरिवेटिव अगर dy/dx से पूरी जानकारी मिल जाए तो डबल डेरिवेटिव पे इतना जाने की जरूरत नहीं होती है। मैक्सिमम मिनिमम भी हमने पढ़ा, बस वो एक ही तरीका है फिर हमारे पास, और कोई अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, है ना, बस और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी जुटा लूँ, है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लूँ, तो स्टेप फर्स्ट मेरी वही होगी dy/dx। तो इसका dy/dx कितना हो जाएगा, 4 + x² का होल स्क्वायर, है ना। निकालो इसका dy/dx, निकालो कितना आ रहा है बताओ मुझे, dy/dx निकाल के जल्दी से कितना आएगा, dy/dx निकालो। कितना आया ऊपर बताओ, -16x आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमा लेगा बेटा 0 पे, 0 पे क्या लेगा, मैक्सिमा लेगा। अच्छा, अब आपको जैसे आपने इसको निकाला होगा समझ में आ गया कि डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो मुश्किलें बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं, है ना। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 0 पे वैल्यू आ गई 1। अच्छा, इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी बेटा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, समझ में आता है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे, x² से, यस और नो बोलना एक बार इस बात से। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, x² से, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस जानकारी के बेसिस पे मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ, इस जानकारी के बेसिस पे मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। अब ध्यान से समझना इसका ग्राफ मैं कैसे बना रहा हूँ। वाई बराबर -1 जो होगी ना बेटा, ये इसकी होरिजेंटल एसिम्प्टोट हो जाएगी, वाई बराबर -1 इसकी क्या हो जाएगी, होरिजेंटल एसिम्प्टोट हो जाएगी।
एसिम्प्टोट के बारे में कभी भी तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। एसिम्प्टोट के बारे में तुम्हारे मन में कभी भी कोई वो नहीं रहना चाहिए। मैं सीधी सी डेफिनेशन तुम्हें बताता हूँ कि अगर फाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू रखने पे, इनफाइनाइट वैल्यू रखने पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आए तो हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, इनफाइनाइट वैल्यू रखने पे जो फाइनाइट वैल्यू आती है वो हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, और अगर फाइनाइट वैल्यू रखने पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो वर्टिकल हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। दोबारा बोलूं, इनफाइनाइट वैल्यू रखने पे फाइनाइट आती है हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, फाइनाइट वैल्यू रखने पे इनफाइनाइट आता है वर्टिकल एसिम्प्टोट। जैसे 10x होता है तो 10x में x बराबर पाई बाई टू रखने से इनफाइनाइट अप्रोचिंग बनता है तो वो उसकी वर्टिकल। तो सीधा सा याद रखो, अगर इनफाइनाइट वैल्यू डालने पे फाइनाइट आए तो वर्टिकल, इनफाइनाइट वैल्यू डालने पे फाइनाइट आए तो वो वर्टिकल मतलब हॉरिजेंटल, सॉरी, इनफाइनाइट वैल्यू डालने पे फाइनाइट आए तो हॉरिजेंटल, और फाइनाइट वैल्यू डालने पे इनफाइनाइट आए तो वर्टिकल। चाहो तो लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट वैल्यू डालने पे फाइनाइट आए हॉरिजेंटल, और फाइनाइट वैल्यू डालने पे इनफाइनाइट आए वर्टिकल। ऐसे लिख लो शॉर्ट में ताकि अपने को याद आ जाए, है ना। हाँ शॉर्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने उसकी टेंशन कभी मत लो, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं बस ऐसे ही। तो जैसे इनफाइनाइट डाला तो ये कहीं ना कहीं एसिम्प्टोट बन गई। चलो अब इसका ग्राफ आप बना सकते हैं कि यार 0 पे ये 1 आने वाला है, और ये अब चूंकि देखो इंक्रीज करेगा और ये एसिम्प्टोट है, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा इसका, और क्या बनेगा। इधर ये डिक्रीज करेगा कुछ, है ना। अच्छा, और ग्राफ सिमेट्रिक भी बनेगा। आप ये समझ सकते हैं कि ग्राफ सिमेट्रिक क्यों बनेगा, सारी इवन पावर है तो हम चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें, ग्राफ क्या बनने वाला है, सिमेट्रिक। तो ये इस तरह का इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा, इस तरह का इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये लाइन होगी वाई बराबर -1। अच्छा ये तो अपन बना सकते हैं, ये एक तरह से आपका क्या है, 3 mod x / 5 -6/5। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है वही कहीं ना कहीं नीचे -6/5 पे शिफ्ट होगा, और -6/5 जो होगा ना बेटा वो -6/5 ऑब्वियसली इसके नीचे होगा, -6/5 ऑब्वियसली इसके नीचे होगा। और एक अच्छी बात और क्या है इसमें कि एक्स वाई 0 पे एक्स के वैल्यू 2 आ रही है, ये यहीं से पास होगा, ये बाउंडेड एरिया आएगा बता आपसे। हाँ भाई देखना तो पड़ेगा ना, वाई इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे वाई 0 डाला तो इससे भी +-2 आ रहा है, वाई 0 डाला तो इससे भी +-2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे सेम पॉइंट पे कट करेंगे। अब इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया पे आ जाओ, एरिया क्या आएगा इसका, ट्वाइस कर दूं मैं भाई, ये 0 हो जाएगा तो 0 से 2 में ट्वाइस कर दूं, ये -6/5 हो जाएगा, तो 0 से 2 में ट्वाइस कर देता हूँ। कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 इधर और इधर वाला, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है बेटा, 4 -x² / 4 + x² और नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू डालेंगे बेटा 3x - 6/5 × dx। मोड तो पॉजिटिव ओपन होगा ना, इस तरफ तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, इसके लिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। चलिए अब देख लीजिए इसको, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, और आगे बढ़िए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
अमन नूर पूछ रहा है सिमेट्रिक कैसे पता लगा। इवन फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और फंक्शन इवन है, ऐसे पता लगा है ना। और एक बच्चा पूछ रहा है कि पहले वाला ग्राफ कैसे बनाया, तो वो तो ऑब्वियसली तीन स्टेप है, डिवाइड बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव, कुछ पॉइंट पे वैल्यू है ना, तो वो सारी वैल्यू मैंने लिख ली थी यहाँ पे और बस उसको इंटीग्रेट कर दिया। चलिए आप जल्दी से डन बोलिए, मैं एक आध दो और अच्छे सवाल कराऊंगा, जल्दी से डन बोलिए इसको। इंटीग्रेट वगैरह सब आप कर लीजिएगा ना, वो आपको मैटर नहीं, अपने को सिर्फ एक आध दो और ग्राफ बना लेते हैं अपने। चलिए तो अगला एक और सवाल लिखिए। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय टू आर्म या ब्रांचेस ब्रांचेस ऑफ कर्व y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय टू आर्म, दो भुजाएं या ब्रांचेस शाखाएं ऑफ कर्व y माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1। हमें इस कर्व की जो दो ब्रांचेस हैं या इसकी दो आर्म्स जो हैं उनसे जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है, जबकि एक्स कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 0 टू 1। अभी इस कर्व के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं ना, इस कर्व के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो अननोन कर्व है, अननोन कर्व बनाना है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास वाई माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर किसके है, एक्स क्यूब के, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई बराबर प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2। एक्स तो पॉजिटिव है, उसने खुद ने लिख दिया, नहीं तो हम भी जानते हैं कि ये स्क्वायर एक क्यूब है तो एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं लिखता तो भी हम जानते हैं स्क्वायर एक क्यूब है तो एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो जिन दो ब्रांचों की बात कर रहा है ना वो ये वाली दो ब्रांचे हैं, वो ये वाली दो ब्रांचे हैं। अब इन दोनों ब्रांचों से अब बनानी, मुझे नहीं पता ये कैसे बनता है, नया कर्व है तो, नया कर्व है तो मैं जानता हूं मेरे पास तरीका है कि ये डीवाई बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव और कुछ पॉइंट पे वैल्यू, उसी से आइडिया लूंगा, उसी से ग्राफ बनाऊंगा। तो जैसे डीवाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास कितना हो गया 1 प्लस 3/2 एक्स की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहां तो बहुत बढ़िया काम हो गया, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग हो गया, एफ एक्स हमेशा क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो डबल डेरिवेटिव निकालो तो ठीक, नहीं निकालो तो ठीक, तो आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई, आपको पता लग गया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेकेंड स्टेप के लिए आप डबल डेरिवेटिव चाहें तो निकालें, ये तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3/2 1/2 एक्स की पावर -1/2 ये भी पॉजिटिव है तो आपको पता लग गया अपवर्ड्स है। और तीसरे में आपको कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बेटा 0 पे 0 है और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, 0 पे 0 इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, ये आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना, 0 पे 0 है और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें। तो डिवाइड बाई डी एक्स आपका आ जाएगा बेटा 1 -3/2 √x, तो इसका तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा बेटा, अगर इसको 0 करेंगे तो 4/9 आ जाएगा, पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमम ले लेगा 4/9। डबल डेरिवेटिव आप चाहें तो निकालें, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, डबल डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा बेटा है ना। नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब डाउनवर्ड रहने वाला है, और कुछ पॉइंट पे आपको वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो एक तो 0 पे निकालते ही हैं हम, एक हम इस पे भी निकालेंगे बेटा 4/9, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम आएगा,
और इनफाइनाइट पे कितना आएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। 4/9 पे और वैल्यू निकाल लो, जल्दी से 4/9 पे और वैल्यू निकाल लो, फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। 4/9 पे और वैल्यू निकाल लो। तो कोई अननोन फंक्शन है तो ग्राफ बनाने का आपके पास एक ही तरीका है, आपके पास एक ही तरीका है, मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं डिवाइड बाई डी देखूंगा, डबल डेरिवेटिव देखूंगा, कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू देखूंगा और उसी के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करूंगा। और कोई तरीका किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास, ना आपके पास, ना किसी और के पास। फोर बाय 27 वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू आ रही है बेटा 4/27। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान दो, इधर ग्राफ बना रहा हूँ। पहला ग्राफ तो क्या है कि ये वाला ब्रांच है ना, ये एक्स प्लस है, तो इंक्रीजिंग बनाना है, अपवर्ड बनाना है, 0 पे 0, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट रखना है। तो इंक्रीजिंग और अपवर्ड ऐसा कुछ बना दूं, इंक्रीजिंग बनाना है और अपवर्ड बनाना है, तो ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग बनाना है, अपवर्ड बनाना है, तो ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा। अब दूसरा ग्राफ क्या है कि 4/9 तक तो इंक्रीज करेगा बेटा, 4/9 तक तो इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। 1 पे वैल्यू इसकी भी 0 आने वाली है, 1 पे वैल्यू इसकी भी 0 आने वाली है, देखो 1 पे 0 होने वाला है। तो 4/9 तक इंक्रीज करेगा, देखो ये इंक्रीज कराना पड़ेगा, 4/9 पे मैक्सिमा लेगा और उसके बाद डाउन कर जाएगा। किस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, मैक्सिमा बता दो यहाँ पे कि भाई ये सबका ऊंचा पॉइंट यही है और इसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये इसकी दूसरी ब्रांच बन जाएगी। आपको 0 से 1 के बीच में निकालना बेटा, ये 0 से 1 के बीच में निकालना। तो 0 से 1 के बीच में जो इसका बाउंडेड एरिया होगा वो ऑब्वियसली ये वाला होगा, यहां से 0 से चलता जाएगा, है ना, ये आपका बाउंडेड एरिया। ये वाली ब्रांच आपकी माइनस वाली होगी, ये वाली ब्रांच आपकी माइनस वाली होगी। तो ऑब्वियसली एरिया जो आपका आएगा वो क्या आने वाला है, एरिया 0 to 1 आप जा रहे हैं, ऊपर वाली ब्रांच एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2, नीचे वाला कर्व एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू डीएक्स। अब देखिए ग्राफ कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो इंटीग्रेशन है वो कितना आसान दिया है, इंटीग्रेशन है वो कितना आसान दिया है। एक्स की पावर 3/2 को आपको इंटीग्रेट करना है, ग्राफ टिपिकल था बट इंटीग्रेशन बहुत आसान दे दिया, 5/2/5/2, 4/5 आंसर आ जाएगा। अब इसमें कोई डाउट हो तो बोलें बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बोलें। निकालने का तरीका यही है अपने पास, कोई भी अननोन कर्व है, नोन कर्व है, हमारे पास ग्राफ को निकालना है, तो यही आइडिया है। हमने मैक्सिमम मिनिमम पूरा पढ़ा है, इसी तरह का आइडिया हम उसमें लेते हैं, और कोई तो अल्टरनेट अपने पास नहीं है, यही एक तरीका है जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए हो गया हो तो डन बोलिए बेटा, हो गया हो तो डन बोल दीजिए जल्दी से। एक छोटा सा सवाल और लिख दीजिए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस ln x
वेन एंड एक्स एक्सिस, वेन एक्स इक्वल टू 1 2, एक्स इक्वल टू है 2। मान लीजिए ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, बस एक चीज आपको सिखानी है, उसके लिए सवाल करा रहा हूँ, बाकी कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें नहीं लग रहा है, बट एक चीज है जो हम सीखना चाह रहे हैं, बस वो हमें सीखना है सवाल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे। जैसे मान लीजिए हम इस सवाल की बात करें, तो जैसे ये कर्व दे दिया वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एल एन एक्स। अब मैं नहीं जानता इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बनेगा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार इसका ग्राफ कैसा बनेगा। 1 से 2 में मुझे वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मुझे ये तो पता है कि इसका डीवाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन 0 होगा, 4 AB x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। अच्छा, अब आप ऐसा भी नहीं कि आप पूरा ही ग्राफ बनाएं, अगर आपको दिख रहा है कि यार सिर्फ ये फंक्शन ही है, एक्स अक्ष है ही सही मेरे पास, तो क्या जरूरी है मैं इसका पूरा ग्राफ बनाऊं? नहीं, मैं 1 और 2 पे मुझे बात करनी है, 1 और 2 पे मुझे बात करनी है, तो मैं सीधे सीधे देखूं कि मेरे पास इंक्रीजिंग है। अगर मैं f(1) की बात करूंगा तो टेन इनवर्स 1 प्लस ln 1 होगा, तो आई थिंक 5/4 होगा, और अगर मैं f(2) की बात करूंगा तो ये टेन इनवर्स 2 होगा प्लस ln 2 होगा, ऑब्वियसली ये 5/4 से बड़ा होगा भाई, इंक्रीजिंग है तो ये वैल्यू 5/4 से बड़ी आएगी। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये ग्राफ, ये 5/4 आ गया आपका। अब ये ग्राफ कैसा भी बने मुझे इसमें मतलब ही नहीं है भाई, ये हो सकता है अपवर्ड जाए, हो सकता है डाउनवर्ड जाए, जैसे भी जाए मुझे क्या फर्क पड़ना है, मुझे तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है, अपवर्ड जाए डाउनवर्ड जाए मुझे तो पता ही है इससे बड़ा होगा बस। अब ये अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं क्यों पूरा बना के अपना टाइम खराब करूं? मैंने ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर रहने वाला है, ऊपर कर्व रहने वाला है, नीचे एक्स एक्सिस रहने वाला है, तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊं ज्यादा 1 से 2 में इसको लिख दूं कितना, टेन इनवर्स एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस 0 × dx। यस और नो बोलने बेटा इस बात पे? कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा नहीं कि अब हम पूरा ग्राफ बनाने में जुट रहे हैं और नहीं बस परेशान हो रहे हैं, नहीं, हम देखें कि हमें क्या चाहते हैं, कि अगर हमारा काम उसी से चल रहा है तो कम में भी चला लो, क्यों उसके लिए परेशान हो, भाई ग्राफ बनाना थोड़ी ना हमारा टारगेट है, बस भाई हमें पता है इंक्रीजिंग है, ऊपर ही रहने वाला है, 5/4 आ ही रहा है, तो इसका मतलब है एक्सरसाइज तो ऊपर ही रहने वाला है, वापिस नीचे जाके तो कट करना नहीं है 1 से 2 के बीच में, तो क्यों परेशान हो, बस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम देख पा रहे हैं कि यार इंक्रीजिंग है तो फिर क्यों परेशान है। चलिए, तो अब यहीं तक रखते हैं, अब होमवर्क में बताइए क्या करके आएंगे, होमवर्क करेंगे अपन, अब अपन होमवर्क में लेंगे है ना, एनसीईआरटी का एरिया अंडर द कर्व मैंने करा ही दिया आपको है ना, नहीं अब एक्सरसाइज 2 नहीं लेंगे बेटा, अब अपन पहले करेंगे एक्सरसाइज 3, अब हम पहले करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3, हाँ नहीं तो होमवर्क में लिखो आप एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 16 और पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लोगे, इतना ज्यादा नहीं, मैंने 26 सवाल ही दिए है ना। अब अपन 2-3 रोज में पहले एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे ना, तो उससे हमें एक्चुअली क्या ये आइडिया लग जाएगा कि यार किस तरह का सवाल पूछा जाता है, क्योंकि देखो जो पूछा जाता है ना वो तो कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़े ना उन्हीं को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है ना, उन्हीं को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, जो पूछा जाता है कॉन्सेप्ट है ना। अब जो हमारी 2 पार्ट 2 है ना उसमें थोड़े से हाइयर लेवल के ज्यादा सवाल है, तो मैं पहले 3 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर पहले 2 पार्ट 3 कराऊंगा ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो 3 कर लोगे तो कॉन्फिडेंस पहले ज्यादा बढ़ जाएगा है ना। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, थ्योरी कंप्लीट हो गया,
अब नेक्स्ट क्लास में तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ छोटा चैप्टर है, मतलब अपन डिफरेंशियल, अभी तो अपने सबसे बड़ा काम तो इसकी शीट पूरा करना पड़ेगा। डेफिनेट की शीट लंबी है, मेन काम तो अब डेफिनेट की शीट को कंप्लीट करना है, क्योंकि डेफिनेट की शीट लंबी है तो हो सकता है डेफिनेट की शीट खत्म करते करते डिफरेंशियल इक्वेशन ना खत्म हो जाए। तो जो मेन टारगेट है वो है अब डेफिनेट की शीट थोड़ा सा हम जल्दी निपटा लें तो ठीक रहे, है ना। तो मेन टारगेट यही रहेगा डेफिनेट की शीट को कंप्लीट करना। हाँ ये तो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेटेस्ट है। करेंगे पहले अपन एक्सरसाइज 3 कर लें, डिस्कस पहले इसको कर लें। ना चलो तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। चलिए ठीक है, क्लोज करता हूँ मैं मीटिंग, कल मिलते हैं अपन। चलिए ठीक है, या ऐसा करें सेक्शन ए का वो ले लें क्या, एरिया अंडर द कर्व के सवाल, 2-3 रोज में इसका एरिया के सवाल भी ले लें क्या, दो दो तीन तीन जो एक्सरसाइज बन के हैं, नहीं लें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नहीं लेते हैं, तो यही होगा।